नमस्कार, वीकेबी न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर आयकर विभाग की छापेमारी में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की 17 करोड़ की अवैध कमाई का पता चला। नागपुर सहित मुंबई, दिल्ली, कोलकाता में भी की गई थी छापेमारी। नागपुर में बेटी से दुष्कर्म करने वाले बाप को 10 वर्ष कारावास। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला, दो आरोपी बरी। कृषि उत्पन्न बाजार समिति के चुनाव में उतरे नागपुर के नेता। कांग्रेस, बीजेपी अपने अपने पैनल उतारने को तैयार। और शहर के कृत्रिम टैंकों में 1,27,000 से अधिक गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन। और अब खबरें विस्तार से। आयकर विभाग की ओर से राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर की गई कार्रवाई में 17 करोड़ रुपए के अधिक अवैध कमाई का खुलासा होने की जानकारी विभाग ने दी है। विभाग द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि समूह अपने शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के लिए डोनेशन लेता था और उसे कैश के रूप में अपने कर्मचारियों को भुगतान करता था। काली कमाई को सफेद बनाने के लिए समूह इस प्रकार का हथकंडा अपनाता था। इस प्रकार से लगभग 4 करोड़ रुपए की काली कमाई को सफेद करने का प्रयास किया गया है। छापेमारी के दौरान कुल 17 करोड़ की अधिक आय का पता चला है। 17 सितंबर को देशमुख पर आयकर विभाग ने कार्रवाई की थी। दिल्ली से जारी बयान में कहा गया है कि कुल 30 स्थानों पर कार्रवाई की गई थी। नागपुर के साथ साथ मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में भी दबिश दी गई। समूह एजुकेशन, वेयरहाउसिंग, एग्री बिजनेस और शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है। जारी बिजनेस में कहा गया है कि छापेमारी के दौरान कई कागजात पाए गए हैं जिनमें इन सबका सबूत मिलता है। इन कागजातों को जब्त कर लिया गया। जब्त दस्तावेज से पता चलता है कि कई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किए गए हैं जिन्हें असली दस्तावेज में नहीं दिखाया गया है। जब्त दस्तावेज में मनी लॉन्ड्रिंग, बोगस डोनेशन, अनअकाउंटेड कैश आदि के मामले भी हैं। बयान के अनुसार ट्रस्ट के नाम पर बोगस डोनेशन रसीद बनाए गए। ट्रस्ट का संचालन दिल्ली की एक कंपनी की ओर से किया जा रहा था। इस मामले में 4 करोड़ की अवैध कमाई का पता चला। 3 शैक्षणिक संस्थानों का धन ट्रस्ट के जरिए घुमाया जा रहा था। इसके भी पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं। यह प्रवृत्ति कई वर्षों से जारी थी और लगभग 12 करोड़ रुपए की राशि इस दौरान सफेद बनाने की कोशिश की गई। जब्त दस्तावेज या रसीद से यह स्पष्ट हो रहा है कि एडमिशन के लिए ब्रोकरों को भी लगभग 87 लाख रुपए का भुगतान किया गया है जिसे बुक में नहीं दिखाया गया और पूरा का पूरा भुगतान कैश में किया गया है। छापेमारी के दौरान अनेक बैंक लॉकर पाए गए हैं जिनकी छानबीन की जा रही है। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश SM अली ने 14 वर्षीय किशोरी का लौंगिक शोषण कर उस पर दुष्कर्म करने वाले नाराधम बाप का दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में आरोपी पिता के साथ उसके दो साथी भी आरोपी थे, लेकिन पर्याप्त सबूत नहीं मिल पाने के कारण दोनों को बरी कर दिया गया। दरअसल आरोपी कैलाश, सतीश मुहाड़ीकर और चेतन बंडू तर्डे के खिलाफ पांचपावली पुलिस ने विविध धाराओं के तहत दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। 14 वर्षीय किशोरी की मां का देहांत हो चुका था। पिता कैलाश ने दूसरा विवाह कर लिया। तब से किशोरी दूसरी मां और कैलाश के साथ रहती थी। जब भी वह घर में अकेली होती, कैलाश उसके साथ दुष्कर्म करता था। हद तो तब हो गई जब कैलाश ने दोस्त सतीश और चेतन भी किशोरी को हवस का शिकार बनाने लगे। किसी को कुछ बताने पर मारने की धमकी दी जाती थी। गर्भवती होने पर मां को गड़बड़ी समझ आई। डॉक्टर के पास ले जाने पर 5 माह की गर्भवती होने का पता चला। डॉक्टर ने बताया कि उसका गर्भपात भी नहीं करवाया जा सकता। पूछताछ में किशोरी ने सतीश का नाम बताया। उसे देख रेख के लिए आश्रमशाला में भर्ती करवाया गया। कुछ महीनों बाद किशोरी ने बच्चे को जन्म दिया, वही उसका शिक्षण भी हुआ। बच्चे और सतीश का DNA सैंपल मैच नहीं हुआ तो पुलिस और मां हक्के बक्के रह गए। दोबारा पूछताछ में डरी सहमी किशोरी ने पिता कैलाश और चेतन का नाम लिया। दोनों के DNA सैंपल मैच करवाए गए। इससे पता चला कि बच्चा कैलाश का ही है। पांचपावली पुलिस ने दिसंबर 2015 में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
सब इंस्पेक्टर मंगला मोकेशे ने जांच कर आरोप पत्र दायर किया। अतिरिक्त सरकारी वकील आसावरी पलसोड़कर ने न्यायालय के समक्ष मजबूत दलीलें रखी। आरोपियों के खिलाफ तकनीकी सबूत भी पेश किए गए, लेकिन चेतन और सतीश का डीएनए मैच नहीं होने और किशोरी द्वारा बदले गए बयान का लाभ उन दोनों को मिला। न्यायालय ने कैलाश को दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष ने आजीवन कारावास की सजा मांगी। न्यायालय ने कैलाश को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। महानगर पालिका के आम चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग की ओर से वार्ड चुनाव को लेकर सूचना जारी की गई है। हालांकि चुनाव को 4 से 5 माह का समय बचा है, लेकिन सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गणेशोत्सव खत्म होते ही सोमवार को सत्ता पक्ष नेता ने 108 पार्षदों की बैठक ली, जिसमें सभी पार्षदों को अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों का उल्लेख कर रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की हिदायत दी गई। बैठक में सत्ता पक्ष नेता ने कहा कि 5 वर्षों में कई विकास कार्य किए जा चुके हैं, भले ही सांसद निधि हो या फिर विधायक निधि या फिर स्थानीय निधि से विकास किया गया हो, सभी का उल्लेख रिपोर्ट कार्ड में किया जाना चाहिए। जानकारों के अनुसार मनपा की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कार्यकाल में विकास कार्य नहीं होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। कम से कम गत 3 वर्षों से कुछ भी खास कार्य नहीं हो पाए हैं। विकास के संदर्भ में चर्चा करते समय सत्ता पक्ष की ओर से हमेशा ही केंद्र और राज्य सरकार की ओर से गत समय किए गए कार्यों का बढ़ चढ़कर उल्लेख होता है, लेकिन महानगर पालिका के माध्यम से क्या विकास किया गया इसका कभी भी उल्लेख नहीं होता। यही कारण है कि भले ही पार्षदों को रिपोर्ट कार्ड तैयार करने को कहा गया हो, लेकिन अधिकांश पार्षदों की नैयां भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के भरोसे ही है। सूत्रों के अनुसार बैठक में दी गई हिदायत के अनुसार पार्षदों ने रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की हामी तो भर दी, किंतु बाहर निकलते ही विकास कार्यों के लिए मिली निधि को लेकर नाराजगी से सुर भी सुनाई दिए। कुछ पार्षदों का मानना था कि पूरे कार्यकाल में केवल कुछ वरिष्ठ पार्षदों ने निधि ली है, जबकि अधिकांश पार्षद नए थे जिन्होंने पार्षद और वार्ड निधि के अलावा अलग से कुछ खास निधि का आवंटन नहीं हुआ है। कुछ पार्षदों का मानना था कि मनपा में जिसे भी पद मिला केवल उसी का लाभ हुआ है, उसी को अधिक विकास निधि मिली है, अन्यथा सत्ता पक्ष में रहने के बावजूद भेदभाव हुआ है। यही कारण है कि अब रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए पार्षदों को पसीना छूट रहा है। कृषि उत्पन्न बाजार समिति चुनाव को लेकर गहमा गहमी अब जोर पकड़ चुकी है। कांग्रेस की सोमवार को हुई बैठक में जहां 500 से अधिक लोग उमड़े, वहीं बीजेपी ने भी तय कर लिया है कि पैनल उतारा जाए। इसके लिए कई विधायकों के साथ बैठक हुई। एपीएमसी चुनाव लड़ने के लिए कई उम्मीदवार भी आगे आ रहे हैं, जिसके कारण नामों की घोषणा नहीं हो पा रही है। दूसरी ओर बाजार समिति में साख रखने वाले नेताओं को विधायकों का फोन आना शुरू हो गया है। सोमवार को कुसुमताई वानखेड़े सभागृह में मंत्री सुनील केदार की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में 500 से अधिक लोग उमड़ गए। इस अवसर पर कई नामों पर चर्चा हुई। कई इच्छुकों ने भी अपनी दावेदारी पेश की। कुछ पैनल के नाम फाइनल भी कर लिए गए हैं, लेकिन जानबूझकर नामों की घोषणा नहीं की जा रही है, क्योंकि आशंका है कि लोग दल बदल न कर ले। व्यापारी, हमाल, आड़तिया आदि के नामों को फाइल कर लिया गया है, लेकिन सेवा सहकारी ग्राम पंचायत श्रेणी से अभी नामों को अंतिम रूप दिया जाना है। उम्मीद की जा रही है कि 23 सितंबर को ही नामों का खुलासा किया जाएगा। व्यापारी आड़तिया वर्ग में पहले 4 नामों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन अब 2 नाम ही रह गए हैं और लोग इसे फाइनल मानकर चल भी रहे हैं। सहकार पैनल के तहत एक साथ नामों की सूची सामने आने की संभावना जताई जा रही है। दूसरी ओर बीजेपी की बैठक विधायक समीर मेघे के आवास पर हुई, जिसमें पूर्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, कृष्णा खोपड़े सहित अन्य विधायक शामिल हुए। बैठक में तय किया गया कि इस बार पूरा पैनल उतारा जाएगा। पीएमसी चुनाव में बीजेपी को ज्यादा अनुभव नहीं है, इसलिए विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे सक्षम नामों की खोज करें। विधायक कई लोगों को फोन कर उम्मीदवारी देने की बात भी कर रहे हैं। बीजेपी के मैदान में उतरने से चुनाव रोचक होने की संभावना जताई जा रही है। ग्रीन ट्राइब्यूनल और हाईकोर्ट की ओर से दिए गए आदेशों के बाद इस वर्ष पूरी तरह से पीओपी की मूर्तियों पर पाबंदी लगाई गई। यहां तक कि तालाबों में गणेश प्रतिमा के विसर्जन पर पूरी तरह से रोक लगाई गई। पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव मनाने तथा विसर्जन के लिए महानगर पालिका द्वारा 270 कृत्रिम मोबाइल विसर्जन कुंड तैयार किए गए, जिसमें कुल 1,27,776 मूर्तियों का विसर्जन होने की जानकारी महानगर पालिका प्रशासन ने दी। उल्लेखनीय है कि इस बार महानगर पालिका ने नागपुर शहर के सभी तालाबों में टीन की कटघरे तैयार किए गए थे, यहाँ तक कि सुरक्षा गार्ड भी तैनात किए गए थे। इसके अलावा शहर के प्रमुख स्थानों पर विसर्जन टैंक भी तैयार थे। लोगों को उनके द्वार पर भी सेवाएं दी गई।
महानगर पालिका की ओर से भले ही पीओपी की मूर्तियों पर पाबंदी रही हो, इसके बावजूद हजारों पीओपी मूर्तियां बेची गईं। यही कारण है कि पूरे शहर में कुल 6,485 पीओपी मूर्तियों का विसर्जन होने की जानकारी सामने आई है। बताया जाता है कि भविष्य में भी पीओपी की मूर्तियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा, दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। महानगर पालिका द्वारा लगाए गए कृत्रिम टैंकों के अलावा भी लोगों ने अपने अपने घरों में विसर्जन किया। बताया जाता है कि इन स्थलों पर कुल 127.68 टन पूजा सामग्री भी जमा की गई। पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव मनाने तथा महानगर पालिका की अपील को प्रतिसाद देने के लिए महापौर दयाशंकर तिवारी और मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने लोगों का आभार व्यक्त किया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। आनंदाचे उधान येईल गौरी गणपती येता दारी, रोकडीच विलेशा अप्रतिम दागिन्यांनी होईल त्यांच्या आगमनाची तयारी। यंदा सजवा आपल्या गौरी गणपतीला उत्कृष्ट कलाकुसरीने नटलेल्या रोकडे ज्वेलर्सच्या सुंदर दागिन्यांनी। नागपूरकरांचा दागिना रोकडे ज्वेलर्स, लक्ष्मीनगर, महल आणि इतवारी, रोकडे ज्वेलर्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। युवाओं की मस्ती के चलते गिट्टी खदान थाना क्षेत्र में एक वृद्ध व्यक्ति की जान चली गई। बताया जाता है कि दोनों युवक कार की रेस लगा रहे थे। इतना ही नहीं, रॉन्ग साइड पर दोनों वाहन भगा रहे थे। इसी दौरान एक ने वृद्ध की गाड़ी को टक्कर मार दी। बुरी तरह जख्मी वृद्ध को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना से परिसर में हड़कंप मच गया है। युवाओं के कृत्य से गिट्टी खदान परिसर के नागरिकों में नाराजगी और तनाव का वातावरण बन गया। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मृतक बोरगांव निवासी मोहम्मद जैरुद्दीन मोहम्मद रफीउद्दीन बताए गए। पकड़े गए आरोपी युवकों में गांजा खेत इतवारी निवासी मुर्तजा हुसैन शब्बीर टोपीवाला और हुसैन सैफी शब्बीर सैफी का समावेश है। पुलिस के अनुसार मुर्तजा SUV गाड़ी और हुसैन कार चला रहा था। दोनों गोरेवाड़ा रिंग रोड पर KRC लॉन के समीप गाड़ियों की रेस लगा रहे थे। अपनी मस्ती में दोनों को यह भी ध्यान नहीं रहा है कि वह उनकी गाड़ी रॉन्ग साइड पर है। रात के वक्त जहरुद्दीन कोई कार्यक्रम निपटा कर अपने दुपहिया वाहन पर घर लौट रहे थे। इसी दौरान दोनों तेज रफ्तार में विरुद्ध दिशा से आए। मुर्तजा ने जहरुद्दीन की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। रास्ते से गुजर रहे लोग भी रुक गए। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। जहरुद्दीन बुरी तरह जख्मी थे, इसलिए तुरंत उन्हें कार में डालकर उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। कुछ देर बाद ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही गिट्टी खदान थाने के PSI नितिन विठोले अपने दल के साथ मौके पर पहुंचे। नागरिकों ने दोनों युवाओं की हरकत पर रोष बताया। सरकार द्वारा हर वर्ष महानगर पालिका, नगर परिषद और जिला परिषद के स्कूलों के छात्रों को गणवेश दिया जाता है, लेकिन पिछले 18 महीनों से स्कूल बंद होने से गणवेश वितरण भी अटका हुआ है। छात्र स्कूल में ही नहीं आ रहे हैं तो यूनिफॉर्म का मतलब ही नहीं रह जाता। इस बीच
राज्य भर के 36 लाख छात्रों को यूनिफॉर्म देने के लिए केंद्र सरकार ने 216 करोड़ रुपए जारी किए हैं। अब जब स्कूल ही बंद है तो फिर राज्य सरकार द्वारा करोड़ों रुपए बिना वजह कहां खर्च किए जा रहे हैं, ये सवाल खड़ा हो गया है। 19 मई को केंद्र के प्रोजेक्ट अप्रूवल बजट की बैठक में सर्व शिक्षा अभियान के तहत महाराष्ट्र को 216 करोड़ रुपए छात्रों के गणवेश के लिए जारी करने पर मुहर लगी। यह निधि राज्य को इसी माह प्राप्त हुई है। आरटीआई फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन कालबांडे ने बताया कि योजना के तहत अब तक यूनिफॉर्म प्रत्यक्ष रूप से छात्रों को दिया जाता था, लेकिन सरकार ने इस बार अचानक निर्णय बदलते हुए यूनिफॉर्म बांटने का अधिकार स्कूल प्रबंधन समिति को दे दिया। साथ ही कुछ दिन पहले अन्य बैंकों से सर्व शिक्षा अभियान योजना के तहत स्कूलों के बैंक खाते बंद करने को मजबूर कर दिया। सरकार ने सभी खाते बैंक ऑफ महाराष्ट्र में खोलने का आदेश दिया। आरटीआई योजना के तहत किसी भी छात्र को पिछले 10 साल से यूनिफॉर्म और किताबें नहीं मिली है, जबकि अन्य राज्यों में आरटीआई छात्रों को उसी वर्ष समय पर किताबें, यूनिफॉर्म और स्कूल भोजन की निधि नियमित रूप से प्रतिपूर्ति प्राप्त हुई है। सरकार का कहना होता है कि उसके पास निधि की कमी है, इसी वजह से सरकार ने आरटीआई प्रतिपूर्ति दर को 17,670 से घटाकर 8,000 रुपए करने का फैसला लिया गया है। वहीं दूसरी ओर स्कूल बंद होने के बावजूद 36 लाख छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म देने के लिए केंद्र से प्राप्त हुई 216 करोड़ राशि खर्च करने का आदेश दे रही है। यही वजह है कि इस पूरे मामले में भारी अनियमितता होने का दावा कालबांडे ने किया है। संपूर्ण मामले की जांच करने और दोषी अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने की मांग की गई है। जिला परिषद और पंचायत समिति की ओबीसी सीटों पर उपचुनाव के एन पहले ही ग्रामीण कांग्रेस में बवाल मच गया है। चुनाव की तैयारी को लेकर हुई बैठक में जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल सीरिया ने प्रदेश कांग्रेस महासचिव आशीष देशमुख को पार्टी से निलंबित करने का प्रस्ताव रखा। उनका कहना था कि पार्टी में रहकर पार्टी को ही नुकसान पहुंचाने का कार्य करने वालों को अगर संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया जाएगा तो पार्टी के युवाओं को क्या संदेश जाएगा। उन्होंने ऐसे नेताओं की पार्टी से तत्काल निलंबित करने की मांग की है। जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव के लिए इन दिनों प्रचार अभियान जोर पकड़ने लगा है। इस बीच कांग्रेस में आपसी तालमेल का अभाव साफ दिखाई दे रहा है। बैठक में आशीष देशमुख को हटाने संबंधी प्रस्ताव का हिंगना विधानसभा अध्यक्ष कुंदा राउत और दयाराम भोयर सहित सभी केदार समर्थक पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने अनुमोदन किया। जानकारी के अनुसार बैठक में इस प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत था। जिला अध्यक्ष राजेंद्र मुलक की अध्यक्षता में हुई बैठक में लाए गए इस प्रस्ताव से जिला कांग्रेस में केदार देशमुख विवाद फिर एक बार चर्चा में आ गया है। बैठक में ग्रामीण और शहर कांग्रेस कमेटी के विधायक व बड़े पदाधिकारी सहित लगभग 200 कार्यकर्ता उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि आशीष देशमुख ने कुछ समय पूर्व ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर नागपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक घोटाले की जांच कर पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की थी। उस पत्र के सार्वजनिक होते ही केदार गुट में भारी रोष देखा जा रहा है। देशमुख द्वारा केदार को बर्खास्त करने की मांग के बाद से ही केदार देशमुख वाद फिर जिले में चर्चा का विषय बन गया है। केदार गुट में देशमुख के खिलाफ भारी रोष है। अपने प्रस्ताव में सीरिया ने कहा है कि अपनी ही पार्टी के मंत्री पर आरोप लगाने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने देशमुख को प्रदेश महासचिव बना दिया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि क्या पार्टी विरोधी वक्तव्य देने से पार्टी संगठन में महत्वपूर्ण पद दिया जाता है। वर्षों से प्रशासक की देखरेख में चल रहे ताजबाग को लेकर हाल ही में जिला न्यायाधीश द्वारा ट्रस्ट के नए सदस्यों के नामों की घोषणा की गई। नियमों के विपरीत ट्रस्ट में सदस्यों की नियुक्ति होने का हवाला देते हुए मोहम्मद मोबिन ताजी एवं अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। सोमवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से मामले से संबंधित कुछ अहम दस्तावेज पेश करने के लिए समय देने का अनुरोध किया गया। सुनवाई के बाद न्यायाधीश सुनील शुक्रे और न्यायाधीश अनिल किल्लोर ने एक सप्ताह का समय प्रदान कर सुनवाई स्थगित कर दी। पिछली सुनवाई के दौरान अधिवक्ता मनोहर ने कहा था कि याचिका पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत दायर नहीं की गई है, जबकि योजना की धारा 7A के तहत इसे दायर किया गया है। जिला न्यायाधीश की ओर से सभी सदस्यों की योग्यता, पुलिस जांच और साक्षात्कार का हवाला देकर सदस्यों की नियुक्ति किए जाने के आदेश जारी किए, किंतु आश्चर्य यह है कि पहले नंबर के सदस्य प्यारे जिया खान का साक्षात्कार ही नहीं हुआ है। दूसरे नंबर के याचिकाकर्ता क्रिश्चियन समाज से आते हैं, उनका भी साक्षात्कार किया गया था किंतु उन्हें अयोग्य घोषित किया गया। अयोग्यता के लिए गए कारणों पर भी आपत्ति जताई गई।
आलम यह है कि ट्रस्ट का अध्यक्ष बिना साक्षात्कार नियुक्त कर दिया गया है। सुनवाई के दौरान बताया गया कि हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के गठन को लेकर वर्ष 1968 में योजना तैयार की गई थी। योजना के अनुसार कुछ नियम निर्धारित किए गए थे। इन्हीं नियमों के अनुसार जिला न्यायाधीश की ओर से ट्रस्ट के सदस्यों के नामों की घोषणा की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि अलग अलग वर्ग से कुल 9 लोगों की ट्रस्टी के रूप में नियुक्ति होती है। खादिम वर्ग में नियुक्ति को लेकर भी दिशा निर्देश तय किए गए हैं। इसी तरह अन्य वर्ग के लिए भी नियम बनाए हैं। ओल्ड भंडारा रोड के तिन्नल चौक पर परिसर में मकान मालिक ने असामाजिक तत्वों की मदद से व्यापारी की दुकान में अवैध तरीके से कब्जा जमा लिया। इस घटना को लेकर व्यापारियों में नाराजगी है। वहीं पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण भी व्यापारी ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है। घटना के 4 दिन बाद पुलिस ने राजेश जेवमूल मनशानी की शिकायत पर राधेश्याम खींची, चेतन खींची और राजू खींची और उनके 7 से 8 साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि मनशानी रेडीमेड गारमेंट का व्यवसाय करते हैं। तीन नल चौक के समीप राधेश्याम खींची की इमारत में उन्होंने वर्ष 2004 में दुकान किराए पर ली थी। नियमित रूप से किराया दे रहे थे। उनसे अनुबंध कर दुकान का रिनोवेशन शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों से खींची बंधु दुकान का काम करने से रोक रहे हैं। दीपावली के मद्देनजर मनशानी ने लाखों रुपयों का माल दुकान और गोदाम में ला रखा था। 13 सितंबर की रात खींची बंधुओं ने अपने साथियों की मदद से परेशानी और उनके कर्मचारियों को धमकाकर दुकान की चाबियां छीन ली। दुकान पर अवैध तरीके से अपने ताले लगाकर कब्जा कर लिया। मनशानी ने तहसील पुलिस से मामले की शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज करने की बजाय आपसी समझौते करने को कहा। खींची की तरफ से एक नेता ने मामला दर्ज नहीं करने के लिए दबाव बनाया था, लेकिन मनशानी ने सीपी से मिलकर शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। मनशानी का कहना है कि पुलिस खींची बंधुओं के दबाव में काम कर रही है। घटना को 7 दिन बीत गए, लेकिन पुलिस ने किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस ने हल्की धाराएं लगाकर प्रकरण को निपटाने का प्रयास किया है। पारसिवनी तहसील के ढवलापुर के सावंगी परिसर में बाघ ने विविध स्थानों पर 5 बैलों पर हमला कर उन्हें मार डाला। फिलहाल परिसर में भय का माहौल है। इस बाघ का तुरंत बंदोबस्त करने की मांग स्थानीय नागरिकों ने की है। पालक मंत्री नितिन राउत ने भी बंदोबस्त के लिए निर्देश दिए हैं। रविवार से ही क्षेत्र में बाघ ने दहशत मचा रखी है। बाघ के शिकार बने 5 बैलों में सावंगी के राजेंद्र लक्ष्मीचंद उइके के 2, परमेश्वर दयाराम उइके का 1, मयाराम आसाराम सैर्याम का 1 और सुधाकर सुखदेव उइके के 1 बैल का समावेश है। ठीक खेती कार्य के समय बैलों के मारे जाने से ये किसान संकट में आ गए हैं। वन विभाग से जल्द नुकसान भरपाई देने की मांग पीड़ित किसानों ने की है। गत 1 माह से इस बाघ की इस परिसर में दहशत है। इस घटना से ग्राम सेवियों तथा किसानों में भारी रोष है। इसके चलते वन्य प्राणी और मानव संघर्ष टालने के लिए प्रशासन से तत्काल उपाय योजना करने की मांग सामाजिक कार्यकर्ता उदय सिंह उर्फ गज्जू यादव ने की है। इस घटना की जानकारी यादव ने पालक मंत्री नितिन राउत को दी। राउत ने तुरंत एसटीपीएफ के गार्ड लगाकर कैमरा द्वारा बाघ की ट्रैकिंग करने का और गांव से सटे परिसर से उसे खदेड़ने के लिए आवश्यक उपाय योजना करने के निर्देश दिए हैं। पेंच में बड़ी बाघों की संख्या ढवलापुर, नरहर, बनेरा, कोलितमारा गांव, पेंच व्याघ्र प्रकल्प से सटे होने से हमेशा ही इस परिसर में बाघों का विचरण होता है। अभी तक अनेक जानवरों का शिकार बाघों ने किया है, जिससे किसानों का काफी नुकसान भी हुआ। कई बार परिसर के इंसानों पर हमला करने की घटनाएं हुई है। पेंच में बाघों की संख्या बढ़ने से अब ये गांव की ओर रुख कर रहे हैं। नागपुर शहर के जगन्नाथ रोड स्थित मधु कलेक्शन का उद्घाटन हाल ही में संपन्न हुआ। मधु कलेक्शन शूटिंग और शर्टिंग के लिए जाना जाएगा, जो नए कलेवर में होगा। मधु कलेक्शन के भव्य शोरूम का उद्घाटन श्रीमती ईजनाबाई कस्तूरी के कर कमलों से संपन्न हुआ। नागपुर शहर के जगन्नाथ रोड स्थित मधु कलेक्शन शहर में एक जाना माना नाम है, जो पिछले 29 वर्षों से ग्राहकों को अवतरित सेवा में समर्पित है। जिसका प्रतिष्ठान अब नए कलेवर में ग्राहकों हेतु तैयार किया गया है और इसका उद्घाटन हाल ही में संपन्न हुआ। मधु कलेक्शन के संचालक टीकम लखे की उद्घाटन के तौर पर उपस्थिति रही। संचालक टीकम लखे व कस्तूरी ने बताया कि गत 29 साल पहले मधु कलेक्शन की शुरुआत स्वर्गीय चेतनदास कस्तूरी द्वारा की गई थी, लेकिन समय के साथ फैशन की दुनिया में आए बदलाव को देखते हुए इसका अब भव्य शोरूम में निर्माण किया गया है। जबकि शूटिंग, शर्टिंग, कुर्ता, पैजामा, कोट, पैंट, शेरवानी सहित शादी ब्याह में लगने वाले संपूर्ण एथनिक वेयर उपलब्ध होने की जानकारी कस्तूरी ने इस दौरान दी।
वहीं इस दौरान मधु कलेक्शन पर ग्राहकों की विश्वसनीय और स्टाफ के अथक परिश्रम से मधु कलेक्शन का रूपांतर आज भव्य शोरूम में हुआ है, ऐसा कस्तूरी ने कहा। सुबह के प्राइम टाइम में अब तक के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।